हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती किचन 7 में। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाई है एकदम डिलीशियस टेस्टी सब्ज़ी। कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आप इसे पूरी पराठे के साथ खाइए, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और सबको पसंद भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पीस लेंगे मसाला। तो 2 लाल मिर्च लिए हैं, 4-5 लहसुन की कलियां ले ली हैं, 6-7 हमने काली मिर्च ले लिए हैं। और अब हम 1 चम्मच ले लेंगे साबुत धनिया। ये कच्ची धनिया है, भुनी हुई नहीं है। तो हम 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो इन सब का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो मसाले का हमने पेस्ट बना लिया है। तो आलू को भी हमने कट कर लिया है, थोड़ा बड़े साइज में कट किया है। और गोभी को अच्छे से कीड़े वगैरह देख के कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको भी कट कर लिया है। और 1 प्याज लिया है, उसको भी बारीक कट कर लिया है। और 2-3 हरी मिर्च लिए हैं, बीच से इनको 2 पार्ट में कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं। तो चलिए आलू और गोभी को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था, अब हम गोभी को फ्राई कर लेते हैं। 2-3 मिनट ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारी गोभी लगभग फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसका थोड़ा कढ़ाई में रोकते हुए निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए। तो गोभी को हमने निकाल लिया है, अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। तो सभी आलूओं को हम डाल देंगे ऑयल में और इसको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि आलू हमारे अच्छे से पक ना जाएं। तो आलू हमारे पक गए हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। मीडियम आंच पर ही भी हमने बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू गोभी हमारी फ्राई हो गई हैं। अब चलिए हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो 1 कढ़ाई में हम सरसों का 1 चम्मच तेल डाल देंगे, उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा जब पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग डालने के बाद हम हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए गुलाबी होने तक भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद प्याज हमारा पक गया था। अब हम इसे टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी 2 मिनट तक भून लेते हैं। नमक डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच ताकि जल्दी से टमाटर गल जाएं। तो हम इसे भी चलाते हुए भून लेंगे। तो टमाटर हमारे भून गए हैं। अब इसमें जो मसाला पीस कर रखे थे वो डाल देंगे। 2-3 मिनट तक मसाले को भी पकाना है। तो मसाला हमारा पक गया है। अब इसमें थोड़े से हरे मटर डाल देंगे। हरे मटर को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो फ्राई किए थे आलू गोभी उनको भी डाल देंगे और चलाते हुए अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी हमारी और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मसाले में हमने मिला लिया है आलू गोभी को। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी मिक्स कर देते हैं चलाते हुए। नमक डालने के बाद फ्रेंड्स हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम गैस को और 2-3 मिनट तक भून लेंगे, जिससे सब्ज़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, आप चाहें तो रसेदार भी बना सकते हैं। इसमें इसी स्टेज पर पानी डाल देंगे और 2-3 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने पानी नहीं डाला है, हमने भुजिया बनाई है। तो देखिए 2-3 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।